दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और हमें कई सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना पड़ता है। ऐसे में पाचन शक्ति का कमजोर होना एक आम समस्या है। तो दोस्तों, ऐसे में लवण भास्कर चूर्ण हमारी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस चूर्ण में आयुर्वेद का बहुत ही बड़ा विज्ञान छुपा है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, और विशेष करके अगर आपको खाना पचाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में लवण भास्कर चूर्ण बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ये खाने को पचाने में सहायक है, क्योंकि दोस्तों इनमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट पाचक शक्ति को उत्तेजित करते हैं। तो दोस्तों, लवण भास्कर चूर्ण के सारे फायदे जानने से पहले देखते हैं कि इस चूर्ण का कंपोजिशन क्या है, यानी इसमें कौन से घटक यूज होते हैं। लवण भास्कर चूर्ण में पीपली, काला नमक, सेंधा नमक, अनारदाना, काला पिसा हुआ जीरा, तेज पत्र, नाग केसर, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्ची, समुद्री नमक, धनिया और श्वेत जीरा। तो दोस्तों, इन सारे ही घटकों को बारीक पीस करके ये चूर्ण तैयार होता है। दोस्तों, इन सारे ही इंग्रेडिएंट को आयुर्वेद में अग्निवर्धक कहा गया है। दोस्तों, जानते हैं कि लवण भास्कर चूर्ण के फायदे क्या हैं। ये भोजन के पाचन और अवशेषण में मदद करता है और अग्निमांद और अजीर्ण जैसी समस्याओं को दूर करता है। लवण भास्कर चूर्ण गैस, कब्ज और पेप्टिक अल्सर में भी फायदेमंद है। इसके अलावा ये चूर्ण मुंह के छालों और बवासीर की समस्या में भी लाभप्रद है। ये गृहिणी रोग को दूर करता है और शरीर में वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है। इसलिए दोस्तों, ये आपकी सारी पाचन समस्याओं के लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। और दोस्तों, इसके निर्धारित मात्रा में उपयोग से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सिर्फ कुछ मामलों में ही इस चूर्ण को अवॉइड करना चाहिए। इस चूर्ण में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस चूर्ण को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या है, तो इस चूर्ण का उपयोग बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। और दोस्तों, जानते हैं कि इस चूर्ण का सेवन आपको किस प्रकार करना है। इस चूर्ण का सेवन आप खाने के बाद भी कर सकते हैं और खाने के साथ भी। खाने के साथ में आप दही, छाछ या सब्जी किसी में भी मिला करके कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लवण भास्कर चूर्ण की मात्रा का विशेष ध्यान रखें। इसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम तक ही लेनी है। तो दोस्तों, ये लवण भास्कर चूर्ण पतंजलि का है, लेकिन आपको जो भी उपलब्ध हो, आप किसी भी ब्रांड का लवण भास्कर चूर्ण इस सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।